लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए नई मुंबई का अध्यक्ष अफसर इमाम को बनाया गया। जनरल सेक्रेटरी संतोष कुमार जी के नेतृत्व में यहाँ काम हो रहा है। नई मुंबई का इलेक्शन भी अभी करीब ही है। हम सबको मिलकर समाज के वो लोग जिनके साथ नाइंसाफी हो रही है, समाज में जिनकी अनदेखी हो रही है, उनके लिए काम करना है। समाजवादी पार्टी असल में किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की आवाज़ उठाने वाली पार्टी है। हमेशा ये कहते हैं कि जब किसी मिल मालिक से किसी मजदूर का झगड़ा हो तो मिल मालिक के साथ नहीं बल्कि मजदूर के साथ खड़े होना चाहिए। कोविड का समय चल रहा है, पूरी दुनिया तबाही के कारण खड़ी है, साल से कुछ काम धंधा नहीं है। हम सबको मिल करके उन लोगों के लिए आवाज़ उठाना है जो परेशान है। आज लॉकडाउन लग रहा है, सरकार लॉकडाउन लगाने को तैयार है, लेकिन लॉकडाउन में जो लोगों को मदद होना चाहिए वो देने को तैयार है। लोग घर में रहेंगे तो बिजली चलेगी, एयर कंडीशन चलेगा, उसकी बिल कम नहीं कर रहे, ज़्यादा आ रही है, डबल बिल आ रही है, डबल बिल। और लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो काम धंधा नहीं करेंगे, लॉकडाउन रहेगा तो खाने को चाहिए उनको। जब एक साल से आज जो लोग कमाए हुए लोग हैं, जो जिनकी स्थिति अच्छी है वो भी आप कमजोर हो रहे हैं, जो बचा था वो खत्म हो रहा है। तो मैं सरकार से आपके इस माध्यम से बात करना चाहूँगा, जवानी लॉकडाउन की बात करना बंद करो। लॉकडाउन लगाने के पहले उन लोगों की स्थिति देखो, उनको खाने का, उनको रहने का, उनकी बिजली बिल, उनके बच्चों की पढ़ाई, इन चीज़ों का सरकार को बंदोबस्त करना ज़रूरी है। बाकी सारी जितनी भी डेवलपमेंट है, फ्लाईओवर बनाना है, ब्रिजेस बनाने हैं, आपको बड़े बड़े सड़कें बनानी है, वो सब बात में अरे इंसान की ज़िंदगी क्या होना है, बहुत ज़रूरी है। आज ये हो रहा है देश के अंदर कि जो बड़े लोग हैं वही सब काम करेंगे, वो सब्जी भी बेचेंगे, किसान की भी खेती ले लेंगे, और जहाज भी बनाएंगे, ब्रिजेस भी बनाएंगे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री भी बनाएंगे, तो गरीब कहाँ जाएगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का मानना था, सोशलिस्ट लोगों का मानना है कि जो बड़ा काम है, बड़ी इंडस्ट्री है, वो बड़े लोग करें, जो छोटा काम है वो छोटे लोग करें, ताकि देश में सबको कम से कम जीने और खाने का बंदोबस्त हो। अब देखिए अदानी जिससे कोई हैसियत नहीं थी इस देश में, जब से आए हैं ये मोदी जी 2014 से, आपने अदानी का नाम सुना उसके पहले सुना था? नहीं, कोई नहीं सुना था। आज दुनिया में सबसे अमीर आदमी बन गई, इसकी हमारी मुखालफत है। आवाज उठाइए, आगे बढ़िए, ऊपर वाला मदद करेगा। हमें संघर्ष करना है उन चीजों पर जहां जुल्म हो रहा है, और सबसे जरूरी काम यह है कि हमें धर्म के नाम पर, जात के नाम पर किसी के साथ कोई अन्याय नहीं करना। आज ये होता है कि जहाँ मुस्लिम ज्यादा है वहाँ मुसलमान को टिकट दे दो, या हिंदू ज्यादा वहाँ हिंदू को दे दो, ये क्या है? अरे अच्छे इंसान को टिकट दो, जिसके लिए ज्यादा मुसलमान है वहाँ हिंदू को टिकट दो, जहाँ ज्यादा हिंदू वहाँ मुसलमान को टिकट दो, ताकि देश में भाईचारगी बनी रहे। मोदी जी जब से आए ना, ये देश को बर्बाद कर दिया। ये जहाँ जाते हैं, जहाँ इलेक्शन होता है वहाँ से कोरोना भाग जाता है, जब इलेक्शन खत्म हो जाता है तो कोरोना आ जाता है, क्या ये? इन चीजों पे जरा सरकार को सोचना चाहिए। हम विदेशों में जाइए, हमारे बगल में दुबई है, जिस घर में कोरोना होता है अगर उस बिल्डिंग को लोग क्वारंटाइन करते हैं ना, तो एक एक घर में खाना देते हैं, एक एक आदमी का फ्री इलाज करते हैं, तो क्वारंटाइन करते हैं, और आप कुछ नहीं दोगे, घर जल्द बाहर मत निकलो। मैं वार्निंग देना चाहता हूँ पुलिस वालों का आपके माध्यम से, किसी आदमी को लाठी चलाया ना तो एक दिन वो आएगा कि वही लाठी मारने का हाथ किसी को नहीं है। आप डराइए, मारिए मत। जो अभी आपने 28 तारीख से लग रहा है लॉकडाउन, कोई मजबूरी से बाहर निकला है, कोई कोई काम उसका है, आप उसको मनाई सख्ती के साथ मना कीजिए, वापस भेजिए, लेकिन डंडा मत मारो। डंडा मारोगे तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर करके आपके खिलाफ एहतजाज करेंगे।
औरंगाबाद सफर में जाइए, वहाँ पर 8 बजे से पोल चल रहा है, आजकल लॉकडाउन चल रहा है और 6:30 बजे से मारना शुरू कर देते हैं। पुलिस कहाँ, पुलिस क्या पावर हो गया आजकल? इन चीज़ों के खिलाफ हमें लड़ना है। और जो जजेस हैं ना कोर्ट में बैठे हुए लोग, ये भी कोई आसमान से नहीं आए, ये कोई फरिश्ता कोई देवता नहीं, ये हमारे बीच के लोग हैं। और 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने निकली बता दिया है कि देश की स्थिति अच्छी नहीं है, कोर्ट और कचहरी के अंदर भी इंटरफेरेंस हो रहा है। तो ज़रा जजेस साहबान भी ज़रा होश में रहकर काम करें, ऐसा नहीं है कि जब जो चाहो अपनी मर्जी का बयान दे दो। कार्यपालिका और न्यायपालिका, हम पार्लियामेंट में असेंबली में कानून बनाते हैं, उसी दायरे में जाके जजों को काम करना है, ऐसा नहीं जज अपनी मर्जी से कोई काम करते रहते हैं। मैं देख रहा हूँ कि कहीं कहीं कुछ है, स्टे मिल जा रहा है, स्टे इस तरह दे रहे हैं आप, इंक्वायरी होना चाहिए, स्टे करके 10-10-20 साल लोगों को बर्बाद किया जा रहा है। इन चीज़ों पर भी सरकारों को ध्यान देना चाहिए। मैं फिर एक बार अफसर इमाम और उनकी पूरी टीम को, जो लोग भी पार्टी में आए हैं जिनको पोस्ट मिली है, सबको बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूँ और ईमानदारी के साथ काम करने की बात बिल्कुल काम कीजिए, आपस में खिंचातानी मत कीजिए। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप लोगों की समस्याएं हल कर सकते हैं, जिससे लोग मदद कर सकते हैं। हम 2 लोग यहाँ हैं असेंबली के अंदर, आपका जो भी मसला होगा, पूरे महाराष्ट्र का जो भी मसला होगा, हम लोग ईमानदारी के साथ असेंबली में उठाएंगे, लोगों की आवाज़ उठाएंगे। लेकिन अभी सब संगठन मजबूत कीजिए, अच्छी तरह से समाजवादी पार्टी को कीजिए और लोगों के सवालों पर प्रतिक्रिया एक्शन कीजिए। उन लोगों को मैं फिर एक बार सबको बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, और उम्मीद के साथ आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी एक मजबूत पार्टी बनकर यहाँ होगी।